सोच के करते कि ये चल जाए, सब कुछ क्लियर यहाँ पे बहुत है. एवरी डे इज द बेस्ट. आई कैन बी टॉम बॉयश. मैं एक चूज नहीं कर सकती. जर्नी रोलर कोस्टर. सो फर्स्टली फर्स्ट इंडिया टेली के ये तरफ से बधाई हो आपको. जिस तरह के से मतलब एक माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया है, क्या आप शायद बताना चाहेंगे आप? इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस. मैडम सर ने 500 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं. जब भी कुछ हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस लेना, शो लेना या कुछ भी, हम यही सोच के करते हैं कि ये चल जाए, ये अच्छा चले. और कुछ इतना मतलब स्टार्ट करते वक्त पता था कि शो में बात है, क्योंकि शो का ही नाम है कि कुछ बात है, क्योंकि जज्बात है. वो सच में चल पड़ा और दिलों तक पहुंच गया आपके. एंड आपके दिलों में हम राज करते हैं, हमारे दिलों में आप राज करते हैं. ऑडियंस के दिलों तक तो आप पहुंच चुके हैं. जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैडम सर की टीम जिस तरीके से एक साथ आती है तो एक बवाल मचा है. एवरीवन इज वेरी मच क्लियर. सबके कैरेक्टर्स क्लियर है तो सब कुछ क्लियर यहाँ पे बहुत है, इसलिए वेरी स्मूथ. मतलब हम सबके रिलेशनशिप्स विथ ईच अदर इज वेरी स्मूथ. वी आर ऑल गुड एंड देयर फॉर ईच अदर ऑल द टाइम. तो ये बहुत ही प्यारी टीम है. एंड नॉट ओनली एक्टर्स, डायरेक्टर, कैमरा टीम, राइटर्स एंड मेनली द प्रोड्यूसर्स, उन सब ने वो पॉजिटिविटी मेंटेन कर रखी है. वो आपका सबसे अपर हैंड ही पॉजिटिव हो तो फिर वो सारा वो पॉजिटिव यहीं से पूरा नर्व्स में सब वो पॉजिटिव पॉजिटिव है. तो वही है मैडम सर का विरास, पॉजिटिविटी. जिस तरीके से आप सैंड डॉन्स देखा है आपने, ये क्या बोलते हैं, कोविड में भी शूटिंग की थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीके से ऑडियंस का प्यार इतना मिला है, ऑडियंस को किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? ऑडियंस की वजह से ही है हम यहाँ पे. अगर ऑडियंस उसी वक्त हमारे शो को पसंद नहीं करती तो हम ना लॉकडाउन में शूटिंग कर रहे होते और ना ही आज 500 सेलिब्रेट कर रहे होते. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस. आपने देखा, शो पसंद किया. थैंक यू फॉर लविंग मैडम सर. दिस मीन्स अ लॉट. आपका प्यार ही सब कुछ. बेस्ट डे या फिर बेस्ट सीन क्या कुछ आपके लिए रहा है? एवरी डे इज द बेस्ट. एवरी सीन इज माई बेस्ट. मैं एक चूज नहीं कर सकती, क्योंकि हर सीन में मेरी मेहनत तो उतनी ही रहती है. तो मेरे लिए हर सीन इम्पॉर्टेंट है और हर सीन अच्छा. इस जर्नी को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जिस तरीके से करिश्मा की जो स्टोरी है वो पसंद आती है, कनेक्ट कर पाएंगे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? करिश्मा की तो काफ़ी सारी शेड्स करिश्मा के थ्रू आ रहे हैं. और आई एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑल्सो कि ओके, मैं ये भी कर सकती हूँ. आई कैन बी अ टॉम बॉय. आई कैन बी टॉम बॉयश. आई कैन बी दिस मच एंग्री और दिस मच वॉइस कैन कम आउट ऑफ यू नो. तो मैंने भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की अपने लिए. एंड जर्नी रोलर कोस्टर थी, काफ़ी कुछ था. और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में हर जर्नी रोलर कोस्टर होती. बस बहुत ही प्यारा रोलर कोस्टर थी. वो होता है ना, पानी आता है आपके ऊपर एंड देन यू फील गुड ऑल्सो. कभी कभी लो भी होता है, कभी कभी हाई भी होता है. तो ऐसा फैन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपके दिल के करीब हो अभी तक का? सारे फैन मोमेंट्स. मैं किसी एक को कैसे चूज? आप लोग क्यों पूछते हो ये सब कि किसी एक को चूज करो? हर फैन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हर मोमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सो दैट आई कैन नॉट चूज वन. थैंक यू.